क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। एक ये रामेश्वर खेड़े हमारे यहाँ भर्ती है, जो कि क्या नाम है, एक्सीडेंट हुआ था खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, पहले जिला अस्पताल में वहाँ इलाज हुआ, उसके बाद चौथराम में शिफ्ट हुए और कल रात को उसके ब्रेन डेथ हो गई। तो ब्रेन डेथ होने के बाद परिवार वालों ने एग्री किया कि हम लोग गुर्दा दान और चमड़ी और आँखों का और लीवर का दान करेंगे। सो हमारे चौथराम अस्पताल में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा है, जिसको हम कैडेवरिक ट्रांसप्लांट बोलते हैं, और लीवर की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, जो मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव वाले आए हुए हैं डॉक्टर्स वहाँ के, यहाँ से वो लेके जाएंगे अभी गुड़गांव, और वहाँ पे जाके वो ट्रांसप्लांट जिसको भी करना होगा लीवर ट्रांसप्लांट वहाँ करेंगे। हाँ, ये अपना इधर से चौथराम अस्पताल से, इधर से गेट से माणिक बाग ब्रिज होते हुए पलसीकर, पलसीकर से कलेक्ट्रेट तरह, कलेक्ट्रेट तरह से करबला, करबला पुल होते हुए महुनाका, महुनाका से गंगवाल बस स्टैंड, बस स्टैंड से राजमहल्ला, अंतिम चौराहा बड़ा गणपति बायलेस्टी और कलानी नगर होते हुए एयरपोर्ट, सभी जगह अपने हमारे ट्रैफिक के पॉइंट लगे हुए हैं। 5 मिनट पहले ट्रैफिक को रोक देंगे कि इससे पूरा रूट क्लियर रहे, और अपनी कोशिश ये रहेगी जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को हम एयरपोर्ट पहुँचा दें। पहली बार मध्य प्रदेश और इंदौर के इतिहास में है कि हमने ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया है, पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज़ किया है। जो सर्टिफिकेशन की कार्रवाई करनी होती है, परमिशंस दी जानी चाहिए, उसको 10 मिनट के अंदर में सभी परमिशंस दी गई हैं, और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं, जेट एयरवेज है, जो हमारे CISF के ऑफिसर्स हैं, पुलिस के ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं एंड डॉक्टर्स हैं, ये पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट विद इन 1.5 आवर्स में कम्प्लीट कर दिया गया है। आई थिंक एवरीबडी इंक्लूडिंग मीडिया नीड्स टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड कि इतना अच्छा सहयोग यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने, यहाँ के पुलिस अथॉरिटीज़ ने, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने, जेट ने, डॉक्टर्स ने और CISF ने किया है कि हम ये उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि किसी भी विकसित शहर की तरह यहाँ के टीम एफर्ट से हम 3 लोगों को